हेलो प्यारे बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा सातवीं हिंदी है जिसका पार्ट दो है दादी की घड़ी, इसके क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों, यह वाली वीडियो हम यहाँ से शुरू करेंगे। पहला दिया है बोध प्रश्न। तो क्या दिया है? प्रश्न क्रमांक एक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो चलिए बच्चों, इनके हम प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न क्या दिया गया है? दीपू को दीदी और भैया की तरह कौन कौन सी सुविधाएं नहीं मिल पाती थी? तो इसका उत्तर है बच्चों, दीपू को दीदी और भैया की तरह सुविधा नहीं थी। दीदी और भैया के लिए मेज थी, अलमारी थी और एक अलार्म घड़ी थी, परंतु दीपू के पास इनमें से कुछ भी नहीं था। बस्ता टांगने के लिए केवल एक खूंटी थी, लेकिन बस उसके पास क्या था? एक खूंटी थी। और पढ़ने के लिए उसके पास डेस्क तक नहीं थी। डेस्क यानी टेबल, मतलब उसकी भैया और दीदी थी उनके पास तो उनके लिए मेज भी थी, अलमारी भी थी, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था। उनके पास अलार्म घड़ी भी थी, उसके पास केवल क्या थी बच्चों? एक खूंटी। प्रश्न क्रमांक ख है बच्चों, बिना अलार्म के दादी सुबह जल्दी कैसे उठ जाती थी? इसका उत्तर है बच्चों, दादी रात को सोते समय तकिए से कह देती थी, भाई तकिए राम सुबह 4 बजे जगा देना। बस वह जगा देता था। इस प्रकार दादी बिना अलार्म के सुबह जल्दी उठ जाती थी। अब प्रश्न ग है बच्चों, पिकनिक पर जाने के लिए दीपू समय पर कैसे जाग गया? तो इसका उत्तर है बच्चों, दीपू ने समय पर जागने के लिए तकिए का सहारा या आसरा लिया। ठीक है, उसने तकिए का आसरा लिया और उससे कहा, तकिए भाई मेहरबानी करके कल जगा ही देना ठीक 5 बजे, 7 बजे तो मेरी बस ही निकल जाएगी। इस विधि से दीपू पिकनिक पर जाने के लिए समय से पहले जागा। घ नंबर पे है बच्चों, दादी ने अनोखी घड़ी का क्या राज बताया? मतलब दादी ने क्या राज बताया? दादी ने अनोखी घड़ी का राज बताते हुए कहा कि असली अलार्म तो हमारे दिल में होता है। असली जो अलार्म होता है वो कहाँ होता है? असली अलार्म हमारे दिल में होता है। जब हमें ज़रूरी उठना होता है तो यह हमें जगा देता है। घड़ी की आवाज़ तो तू बंद कर सकता है, पर इसकी आवाज़ बंद नहीं होती है, जगाकर ही छोड़ती है। प्रश्न क्रमांक दो है बच्चों, दादी ने दीपू को सुबह समय पर उठने के लिए क्या तरकीब सुझाई? आपको बताना है, इसमें सही विकल्प चुनना है, सही क्या है। दीदी से सुबह जागने के लिए कहो, या मुर्गी की आवाज़ सुनकर उठो, या ग तकिए से कहो तकिया राम तुम्हें सुबह 4 बजे जगा देगा, या घ है अलार्म घड़ी रखकर सो जाना। तो इसका ग आएगा। उसने किससे कहा था? उसने तकिए से कहा था कि वह उसे 4 बजे जगा देगा। अब चलिए बच्चों, भाषा अध्ययन पर आते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और लिखिए, मतलब इनको सही से पढ़ना है और लिखना है। तो पहला दिया है ईर्ष्या, दूसरा है खूंटी, फिर है चिट्ठियाँ, चौथा है ताज्जुब, इंस्पेक्टर, अलार्म, चिरोरी, कार्तिक, नुस्खा और ट्रंक। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से मुहावरे छांटकर लिखिए। इसमें आपको बताना है कि कौन से मुहावरे हैं। तो देखो बच्चों,
दीपू को हर तरह की बेगार ढोनी पड़ती थी। तो इसमें मुहावरे क्या हो गया बच्चों, बेगार ढोना। तो आप उत्तर में इधर लिख देना बेगार ढोना, ठीक है। इसी तरह से खामे है दीपू बेचारा मम्मी के ट्रंक पर ही गुजारा कर लेता था। तो इसका मुहावरा क्या हो जाएगा बच्चों, गुजारा करना, ठीक है, क्या होगा गुजारा करना। फिर ग नंबर का है घड़ी, तो राजा भैया पहले ही परलोक सिधार गई। घड़ी तो राजा भैया पहले ही परलोक सिधार गई। तो मुहावरा है बच्चों इसमें परलोक सिधार गई। परलोक सिधारना यानी होता है बच्चों मर जाना या किसी काम का नहीं होना, मतलब परलोक सिधारना मरना नहीं होता है। ग है डर के मारे दीपू दम सादे पड़ा रहा। तो इसमें उत्तर मुहावरा हो जाएगा बच्चों दम सादे, ठीक है बच्चों। तो आप चाहें तो इन्हें इस प्रकार नोट कर लीजिएगा, मैं इन्हें लिख देती हूँ। तो देखो बच्चों इस तरह से आप इनके आंसर लिख लेना, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा गुजारा करना, इसका आंसर हो जाएगा परलोक सिधारना, और इसका आंसर हो जाएगा दम सादे पड़े रहना, ठीक है बच्चों। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ मैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।